बॉलीवुड की शॉटगन सतवे सिन्हा की चहेती बेटी सोनाक्षी सिन्हा ने अपने लॉन्ग बॉयफ्रेंड जहीर इकबाल से मैरिज कर ली। लोगों ने हिंदू मुस्लिम को लेकर काफी बवाल काटा, पर दोनों कपल को कोई फर्क नहीं पड़ा। दोनों ने अपनी जिंदगी की राह खुद चुनी और मीडिया को, सोशल मीडिया के ट्रोलर्स को दूर से ही ठेंगा दिखा दिया। हालांकि अभी भी डिबेट इस बात को लेकर थी कि वो हिंदू मुस्लिम तरीके से मैरिज करेंगी या फिर कोर्ट मैरिज करेंगी। तब सोनाक्षी के ससुर साहब इकबाल जी ने बताया था वो मैरिज को पूरा सिविल कोर्ट स्टाइल में करेंगे, जहां पर हिंदू रीति रिवाजों का, मुस्लिम तौर तरीकों का कोई भी तरीका आपको दिखाई नहीं देगा। हालांकि आप मैरिज के रिसेप्शन की फोटो देखेंगे तो आप समझ जाएंगे सोनाक्षी पूरी तरीके से हिंदू ट्रेडिशनल अवतार में नजर आती हैं, जहां पर माथे में सिंदूर है, पुरानी स्टाइल की साड़ी है, गजरा है और पूरी तरीके से हिंदू ट्रेडिशनल वाइफ का अटायर है। जबकि सोनाक्षी के हस्बैंड जहीर इकबाल अपनी पारंपरिक मुस्लिम ड्रेस में है, ये कह लीजिए आजकल वो ड्रेस कॉमन हो चुकी है, पर सोनाक्षी की ड्रेस पूरी तरीके से हिंदू है। अगर वो सिविल कोर्ट की बात करते हैं तो लोगों का सवाल एक ही है कि वहां पर नॉर्मल ड्रेस पहन के क्यों नहीं गए, अगर आपको हिंदू मुस्लिम रिचुअल फॉलो करने थे तब आप वही तरीके से अप्लाई करते हैं। हालांकि बात इस बात पर भी उठ रही सोशल मीडिया पर, जो कि पूरी तरीके से लॉजिकल, फिर भी उसकी बात करते हैं, कहा यह जा रहा कि वो शादी के बाद साड़ी पहनेंगी या बुर्का। हालांकि बहुत ही बेवकूफी भरा सवाल है, बिकॉज वो अपनी मर्जी के मालकिन है। बॉलीवुड में जो भी एक्ट्रेसेस होती हैं और सेलिब्रिटीज होती हैं, वो मैरिज के बाद ना तो धर्म परिवर्तन करती हैं और ना ही अपनी ड्रेस को लेकर सास ससुर की बात मानती हैं। हालांकि इस वजह से काफी बार बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के बीच झगड़े होते हैं, लेकिन सोनाक्षी सिन्हा को देखकर लगता नहीं इस्लाम कबूल करेंगी और साड़ी सिंदूर छोड़कर बुर्का पहनेंगी। वैसे भी ना तो उनका निकाह हुआ है, ना ही उन्होंने अपना सरनेम अभी तक बदला है, आगे वो बदल लें तो हम नहीं जानते। बहरहाल जब यही क्वेश्चन सतगुरु सिन्हा के समधी इकबाल जी से पूछा गया तब उन्होंने कहा कि मुझे लगता नहीं है धर्म परिवर्तन करेंगी, बिकॉज अल्लाह कह लीजिए, भगवान कह लीजिए, दोनों ही गॉड के अलग अलग नाम हैं और हम चाहते हैं हमारी बेटी दिल से खुश रहे और जो रोल प्ले करना चाहती है वो हिंदू का या मुस्लिम का, हमें कोई ऐतराज नहीं होगा। हालांकि बात अब स्टार्टिंग में यही कही जा रही है, पर जितने भी हिंदू मुस्लिम विवाह होते हैं वहां पर जो पुरुष का धर्म होता है उसी को महिलाएं अख्तियार करती हैं। यहां तक कि कपूर खानदान की चहेती करीना ने भी अपने नाम के आगे करीना कपूर खान लगा लिया। सोनाक्षी सिन्हा भी आगे चलकर कोई नाम लगा ले कोई बड़ी बात नहीं, रही बात साड़ी सिंदूर और बुर्का की, ये तो आने वाले टाइम में मालूम पड़ जाएगा। बाकी सोशल मीडिया पर इस तरह के बवाल मचते थे, मचते रहेंगे और सिंदूर में भी सोनाक्षी सिन्हा उतनी बेहतर लगती हैं जितनी बुर्के में लगेंगी। बाकी मामला सारा चॉइस का है। इफ शी चूज टू डिसाइड वियर बुर्का देन इट्स हर डिसीजन, इफ शी चूज टू वियर बिंदी एंड साड़ी देन इट्स हर डिसीजन टू। सो दोनों डिसीजन में हमें खुलकर स्वागत करना चाहिए और इस शानदार खूबसूरत कपल को हमारी तरफ से निकाह की, मैरिज की, शादी की बहुत सारी शुभकामनाएं।